Let's turn our Bibles to the book of 1 Chronicles chapter 15, please. चलिए अपने बाइबल में निकालें पहला इतिहास का 15वां अध्याय. And verse 12. उसके 12वें वचन में. He said to them. उसने उसे कहा. You are the heads of the fathers' houses of the Levites. तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य हो. Sanctify yourselves, you and your brethren. इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो. That you may bring up the ark of the Lord God. Of Israel to the place I have prepared for it. कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है. King David is talking to the leaders. और यहाँ पर राजा दाऊद अपने अगुओं से बोल रहा है. And he talks to the leaders. और वो अगुओं से कहता है. Of the Levites. लेवियों के. And he says, sanctify yourselves. अपने आप को पवित्र करो. And you bring the ark of the Lord to the place where I've prepared. और फिर तुम परमेश्वर के संदूक को उस जगह पे पहुंचाओ जो मैंने तैयार करके रखा है. Write this down. लिख लीजिए. The ark of the Lord. Represented the manifest presence of God. परमेश्वर का संदूक जो है यह परमेश्वर की प्रगटकारी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है. Now David did not take things lightly. और दाऊद चीजों को हल्के में नहीं लेता था. Listen to this. सुनिए ध्यान से. Never take the presence of God lightly. कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में मत लीजिए. So David is telling the leaders. तो दाऊद यहाँ पर अपने अगुओं से कह रहा है. I know God. मैं परमेश्वर को जानता हूँ. I meet him every day. हर दिन मेरी मुलाकात होती है उससे. But I'm not going to take him lightly. लेकिन मैं उसे हल्के में नहीं लेने वाला. So, इसलिए. I have prepared myself. मैंने अपने को तैयार किया है. Touch somebody and say preparation. किसी को छूकर कहे तैयारी करना. He says, I never take the presence of God lightly. वो कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति कभी हल्के में नहीं लेता हूँ. So I prepared for it. तो मैंने इसके लिए तैयारी की है. Personally. व्यक्तिगत तौर पे. And I prepared a place for it. और इसके लिए मैंने एक जगह भी तैयार किया है. And he says, you have to bring the presence of God into the place of preparation. और वो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति को तैयार किए हुए जगह पे लाना है. God will always meet you at your point of preparation. परमेश्वर हमेशा आपसे आपके उस तैयारी के स्थान पर मुलाकात करेगा. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? चलिए. I'll say that again. फिर से कहेंगे. God will only meet you. This is a word of wisdom. और ये बुद्धि का वचन है. Will only meet you. सिर्फ तभी आपसे मुलाकात करेगा. At the point of your preparation, at the level of your preparation. आपकी तैयारी के उस दर पे तैयारी के उस मुकाम पर आपसे मुलाकात करेगा. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You see the apostles. और देखिए प्रेरितों को. Jesus told them. यीशु ने उसे कहा. He says, "It is my will that I give you the anointing, the presence of God, the Holy Spirit." यीशु ने कहा कि ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें वो अभिषेक दूँ, पवित्र आत्मा को दूँ, परमेश्वर की उपस्थिति दे दूँ. But then. लेकिन. But for 10 days. लेकिन 10 दिनों तक. The apostles waited. प्रेरित लोगों ने इंतजार किया. They prayed. उन्होंने प्रार्थना की. Boom. The Lord came. फिर उसके बाद प्रभु की उपस्थिति आई. God. Will meet you at your level at the point of your preparation. परमेश्वर आपसे आपकी तैयारी के स्थान मुखा पर मुलाकात करेगा. 10 virgins. 10 कुमारियां. Come on. 5 are prepared. 5 are not prepared. 5 ने तैयारी की थी. 5 ने नहीं. They were virgins. वे कुमारियां थी. All were virgins. सभी कुमारियां थी. All were waiting. सभी इंतजार कर रही थी. But 5 were prepared. 5 were not. लेकिन 5 ने तैयारी कर रखा था. 5 ने नहीं किया. And the master met those who were prepared. और स्वामी ने उन्हीं से मुलाकात की जिन्होंने तैयारी की थी. God will meet you at the point of your preparation. परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा आपके तैयारी के मुकाम पर. God will never meet you where you are not prepared. परमेश्वर कभी उस स्थान पर मुलाकात नहीं करेगा जहां पर आपने तैयारी न की हो. कितने लोग सुन रहे हैं? He'll never meet you. वो नहीं मिलेगा. He will pass you by. वो आपके सामने से गुजर जाएगा. Say God, God, I'm, Hallelujah, Jesus. परमेश्वर, परमेश्वर, Hallelujah, यीशु, यीशु. God will just walk by. परमेश्वर बस आगे बढ़ जाएगा. Please understand, this is a very somber truth. और देखिए बहुत ही अहमियत वाली हकीकत है ये. Jesus loves. Of course, He loves you. यकीन वो हमसे प्यार करता है. But He will meet you. At the point of your preparation. लेकिन वो आपसे आपके तैयारी के मुकाम पर ही मुलाकात करेगा. David understood this fact. दाऊद ने इस हकीकत को समझा. And he said, उसने कहा, I've prepared a place. मैंने एक स्थान तैयार किया है. For the presence, for the ark of God. परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के संदूक के लिए. When you fast and pray. जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं. Before the new year begins. नया साल शुरू होने से पहले. You are preparing a place. आप एक स्थान तैयार कर रहे हैं. Your body. आपका शरीर. Your life. आपकी जिंदगी. You're preparing it. आप तैयारी कर रहे हैं. To host the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति की मेजबानी करने को. To a new level than you carried before. और एक नए स्तर में ले जाने के जिससे जैसे आप पहले नहीं थे. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? Many people. बहुत सारे लोग. They are operating on yesterday's anointing. और वे कल के अभिषेक में काम करते हैं. No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं. You can't sail a boat in ankle deep water. और देखिए आप नाव को जो है टखने तक की पानी की गहराई में नहीं चला सकते. Unless you want to sail a paper boat. जब तक कागज की नाव ना आप तैर पानी में बहाते हो. Row your boat.
merrily down the stream. Mama, mama, look my paper boat. Paper boat. It was good when you were 7 years old. Abhi tu 40 saal ka ghoda ho gaya. Wood paper boat. Many of you are trying to sail a paper boat. Koshish kare kagaz ki na chalane ki. You know, you can do it in an ankle deep. और टखने की गहराई तक के पानी में आप कर सकते हैं। But now you are saying, Pastor, I want to do business. लेकिन आप कह रहे हैं कि पासवान जी मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ। For 2023. 2023 में। My target is. मेरा लक्ष्य है। 10 crores. 10 करोड़ का। Dollars. Let me finish now. चलिए बताने दीजिए. 10 crores पहले ही चिल्ला. No dollars. No, you must. आपको करना चाहिए. Yesterday. कल. I had a celebration. और क्या एक celebration था? Listen. सुनिए. I gave away a washing machine. Washing machine इन्होंने मुफ्त इनाम के तौर पे दिया. You must have a target. तो आपके पास ऐसा लक्ष्य होना चाहिए. So you want to sell your business. तो अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं. You need water, my brother. तो जरूरी है कि पानी की जरूरत पड़ेगी. So you need to prepare. तो आपको तैयारी करना है. The anointing must rise. वो अभिषेक बढ़ना चाहिए. Come on, somebody, praise the Lord. और चले कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो. Prepare yourself. अपने आप को तैयार करो. And the glory of God will come. परमेश्वर की महिमा सीधा उतर आएगी. I want my son to get married. I want my daughter to get married. Yeah, you're playing Candy Crush. मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की या मेरी बेटी की शादी हो जाए. अच्छा है, लेकिन आप Candy Crush खेल रहे हैं. Church में बैठ के. You know, Lord Jesus, before he entered the ministry. आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में कदम रखने से पहले. He was God. वो परमेश्वर थे. He is God. वो परमेश्वर है. But you see. लेकिन आप देखते हैं. He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. But he said. लेकिन उन्होंने कहा. I'm entering the ministry. मैं सेवकाई में जा रहा हूँ. I have to do the works of my Father. और मुझे अपने पिता के काम को करना है. And he prepared himself. और उन्होंने अपने को तैयार किया. What was wrong with Jesus? यीशु में ऐसा क्या खराबी थी? Nothing. कुछ नहीं. He was already prepared. वो पहले से तैयार थे. He was God in the flesh. वो तो सीधा परमेश्वर शरीर में देहधारी हुए. He took time out. लेकिन उन्होंने समय निकाला. Touch your neighbor and say, take time out. अपने पड़ोसी को छुआ के समय निकालो. Time out. समय निकालो. And then फिर he prepared himself. अपने आप को उन्होंने तैयार किया. And he came out. फिर बाहर आए. And the devils. और शैतान. घुटने टेकने लग गए. I decree and declare. आदेश दे ऐलान करते. The devil in 2023 will bow his knees before you. 2023 में दुष्ट आत्मा आपके आगे घुटना टेकेंगे. It will happen. It will happen. ऐसा होगा, होगा. Every circumstance will bow its knees before you. हर एक हालात आपके सामने घुटने टेकेंगे. No wall of Jericho will stand before you. कोई भी यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी नहीं रह सकेगी. Receive in Jesus name. खड़े करें यीशु के नाम में. Somebody lift your hand and shout hallelujah. जो अपने हाथों लगा चिल्लाएंगे hallelujah. Yes, this is a fact. जी हाँ, यह हकीकत है. What is success? कामयाबी क्या है? Success is not an accident. और कामयाबी इत्तफाक से यूं नहीं मिल जाती. You know, you just don't get success. Hallelujah. मैं ऐसे से भटक रहा था, वो क्लाइंट आके मुझसे हाथ मिला. ऐसा अरे जा रहे, ऐसा नहीं होता. It does not happen like that. ऐसे नहीं होता. You have to prepare, rushing, correct? New client, you have to make presentations, this, that, and then you get that. उसके बाद फिर आपको कामयाबी मिलती है. Jesus. यीशु. Look at this. Go to Luke 4:1. निकाले लुका का चौथा अध्याय पहला वचन. And Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Jesus was filled. Everyone underline that word. Filled with the Holy Spirit. गौर करें यहाँ पे. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा. Everybody say, was filled with the Holy Spirit. सभी लोग कहें, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. He was not empty. He was filled. वो खाली नहीं थे, भरा हुआ था. Now from the Jordan he was filled. Come on, yes or no? यर्दन से देखिए भरे हुए थे. Now Jesus, did he stop there? क्या यीशु वहीं रुक गए? He says no. उन्होंने कहा नहीं. Now he goes into the fast. अब देखिए वो उपवास के सत्र में जाते हैं. He takes time out. समय लेते हैं. He says boss. वो कहते हैं. बस अभी social media. Social media बहुत हो गया. दिन में 10 बार नहीं, एक बार बस. Games बंद. सभी game खेलना बंद. Time out. Everybody say time out. फालतू घूमना बंद. Time out. And Jesus went. और यीशु. And in Luke 4:14. और फिर लुका का चौथा अध्याय 14वां वचन. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Jesus returned. यीशु दोबारा लौटे. In the power of the Spirit. आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ. Earlier it was filled with the Spirit. और पहले वे आत्मा से भरे हुए थे. Now. लेकिन अब. It is with the power of the Spirit. अब आत्मा की सामर्थ्य से भर के आए हैं. Just the word power of the Spirit, please. आत्मा की सामर्थ्य.
How many of you are listening right now? There's a difference. Being filled with the Spirit and being coming with the power of the Spirit. I decree and declare. You are going to be filled with the power of the Spirit. Now what happens? And the news, everyone say the news, of him went throughout all the surrounding region. All your relatives will talk about you. Puss. It will listen. I'm prophesying. It will happen. Hey, tuka khobar asa go? Do you know? Kya tumhe pata hai? He just got a property deal. His property was only 10 crores. He got 20 crores. 10 crore ki property thi, lekin deal ho gaya. 20 crore mil gaya. How, yaar? Kaise? He prayed for 21 days fasting, you know. Let us also pray, yaar. Chalo hum bhi milke prarthna karenge. Your testimony will provoke others to bring them. Aapka vidhan jo hai dusron ko bhadkayega lane ke liye. That's what God wants. Yahi to Parmeshwar chahta hai. But you are like, you know. Lekin aap aise. Pastor. Pasband ji. Lay hands. Haath rakho mujh pe. Here also, pastor. Yahan pe bhi. What, pastor has opened some Thai massage or what? Pasband ji ne koi Thai massage khol ke rakha hai kya? No, you are so dependent. Nahi, aap itne nirbhar hote hain. Pastor, pray for my dog. Okay. Pastor, mere kutte ke liye prarthna karo. What a person. You pray for your dog. I love dog. Don't be prepared. I'm showing you the principles. Aur dekhiye, aapko siddhant bata rahe hain. Come on, everybody. Chale sab log. Principles. Siddhant. One lady wrote to me. Ek mahila ne likha. Pastor, don't talk about fasting. Whenever you talk about fasting, my head goes like this. I said, that's a demon. I cast it out. Apostle Paul. Aur dekhe, Paulus. He was a Pharisee. Wo ek Pharisee the. Very learned fellow. Bahut hi shikshit, padhe likhe. He, before starting his ministry, apni sevaka shuru karne se pehle, he went on a fast. Wo upvas pe gaye. He took time out. Unhone samay nikala. He went to Arabia. Arabia ke jagah. He was fasting in the desert. Aur Registan mein jaake wo upvas karne lage. And there, aur phir, he got the revelations. Wahan par unko prakashan mila. Which you are and I are reading till today. Jo aap aur main aaj bhi padh rahe hain. But you, lekin aap, you are Apostle Paul's lost brother. आप फिर पॉलस के पिछले भाई हैं. You don't have to fast, right? आपको उपवास करने की जरूरत नहीं ना? दुनिया खुदा के प्रिंसिपल्स को लेती है और उनका बिजनेस लगाती है. Let us join for intermittent fasting. And you? Instagram पे नोट छाप रही है. पब्लिक क्यों जानती भी नहीं है? I'm telling you, church. Please wake up. Some of you are sleeping. I decree. You are entering the place of your preparation. And you will meet the Lord over there. There are some people. They have absolutely zero spiritual preparation for the new year. तैयारी के क्षेत्र में नए साल के लिए बिल्कुल शून्य की स्थिति में हैं. You ask them, what is your action plan? अगर आप उनसे पूछें कि आपके पास कार्य करने की योजना क्या है? Okay, Sarah, whatever will be, जो होना है होगा. अच्छा? That's why you waste time. इसलिए आप समय बर्बाद करते हैं. You, the issue stands in front of you. और देखिए मामला आपके सामने खड़ा होता है. Then you, in management terms, it's called firefighting mode. It comes, next come. You have absolutely no planning. आपके पास बिल्कुल भी कोई योजना नहीं है. Tell your neighbor, no firefighting. अपने पड़ोस को कोई firefighting नहीं. Planning. योजना. When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, you are planning. आप योजना बना रहे हैं. So lift your hands and pray. अपने हाथ उठाकर चलिए प्रार्थना करें. Father, in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में. As I go on this fast, और जैसे मैं इस उपवास में आगे बढ़ता हूँ, I will pray Jan, Feb, etc. October, November, December. Be with me all throughout this month. जनवरी फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे साल भर मेरे साथ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I demolish every plans of the enemy. शैतान की हर एक योजना को मैं नाश करता हूँ. Against these months, oh God. इन महीनों के खिलाफ प्रभु. As I walk through each month. और जैसे हर एक महीने में मैं आगे बढ़ता हूं. Give me victory in every month. हर महीने में मुझे विजय दे. So that your name is glorified and magnified. ताकि आपका नाम महिमा पाए और बढ़ाई पाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. This coming year. ये आने वाला साल. You must prepare for it spiritually. जरूरी है कि आत्मिक तौर पर आप अपने को तैयार करें. And I tell you, as yours pastor, और आपके पासबान होने के नाते कहता हूं, it will yield such great results. और ये जो है महान नतीजे परिणाम को लाएंगे. That many will see.
जो बहुत सारे देखेंगे and will turn to the Lord. और प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे. They will come to you. Say, how is this thing happening? वे आकर आपसे पूछेंगे कैसे ये हुआ? The world has no solution, church. दुनिया के पास कोई समाधान नहीं है कलीसिया. How many of you listening? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I'm really telling you. और सचमुच कह रहे हैं. The world will go mad. और दुनिया जो है पागल हो जाएगी. The Bible, there's a scripture. ऐसा एक वचन है. The diviners will go mad. और इस तरह के लोग जो एकदम पागल होते चले जाएंगे. But today, there's only, I tell you, there's only one hope. His name is Jesus. और सिर्फ एक ही आशा है. उसका नाम है यीशु. You must listen to this man of God. आपको परमेश्वर के जन की सुननी चाहिए. Prepare yourself. अपने को तैयार करें. I'm warning you. आपको चेतावनी देते हैं. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? I'm warning you. आपको चेतावनी देते हैं. I'm not telling you now. आप अभी और नहीं कह रहे. Take this message. इस संदेश को लीजिए. There was a man called Jotham. Jotham नाम का एक भाई. Go to 2 Chronicles 27:6. See what the scripture says about him. दूसरा इतिहास के. So Jotham became mighty. तो आगे लिखा है योताम सामर्थी हो गया. Everyone say this. Jotham became mighty. योताम सामर्थी हो गया. Why? क्यों? Why? क्योंकि क्यों? You see, every why has a because. देखिए हर एक क्यों के पीछे क्यों की होता है. Mighty because. He prepared his ways before the Lord his God. Hallelujah. आगे लिखा क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के सामने जानकर चलता था. My question. मेरा सवाल. What if he wouldn't have prepared? क्या होता अगर तैयार नहीं किया होता? अगर वो तैयारी नहीं करता तो क्या होता? अरे चलता मजा मार क्रिसमस है ये है अच्छा. What if he would have not have prepared his ways before the Lord? क्या होता अगर उसने अपनी चाल अपना मार्ग प्रभु के सामने तैयारी नहीं किया होता? So busy. बहुत ही व्यस्त. Wedding, birthday. Mall, just running here. बस यहाँ बस भाग दौड़ कर रहे हैं. हाँ, 2022 is gone. Oh, 2022 चला गया. Hallelujah. Hallelujah. 2023 will also go. 2023 भी चला जाएगा. And your balance sheet will be zero. और आपका balance sheet जो है बिल्कुल शून्य रहेगा. But if you prepare your ways. लेकिन अगर आप अपने मार्गों को तैयार करते हैं. The testimony of heaven will be, and take your name became mighty. और स्वर्ग की गवाही ये होगी. आपका नाम मान लीजिए और आगे जोड़ना है कि वो सामर्थ्य होता गया. What is mighty? Not only spiritually. और ये सामर्थ्य जो है सिर्फ आत्मिक तौर पे नहीं. Physically. शारीरिक तौर पे. Somebody say I receive. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ. Please listen. सुनिए. Prosperity is not money. समृद्धि पैसा नहीं है. Prosperity is an anointing. समृद्धि एक अभिषेक है. That's why the people worship certain things. और इसलिए लोग कुछ खास चीजों की आराधना दंडवत करते हैं. Hello. You have to understand this. आपको समझने की जरूरत है. Prosperity is not just money, gold and car. It is an anointing. और समृद्धि सिर्फ पैसा सोना या कार नहीं ये एक अभिषेक है. Poverty is an reverse anointing. और हिंदी में पनवती बोलते हैं उसको. तो आया पनवती. मनुष्य पनवती नहीं रहता है उसके पीछे जो लगा है पनवती रहता है. समझे नहीं सर आप समझे नहीं आप बहुत लोग कम लोग समझ रहे हैं. प्रॉस्पेरिटी इज एन अनॉइंटिंग समृद्धि का अभिषेक है. कोई कोई लोग हाथ डालते काम बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाता है. सो द वर्ल्ड गिव्स देम वन नेम स्पेशलिस्ट. तो दुनिया देखिए उन्हें नाम देती है स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ. ऑल द स्पेशल इट्स एन अनॉइंटिंग रे बाबा. ये एक अभिषेक है. हालेलुया. इट्स एन अनॉइंटिंग. बोल उसको बोला ठीक करे. इट्स एन अनॉइंटिंग. Oh, you didn't understand. आप नहीं समझे. I decree that anointing will come on you. ऐलान करते हैं कि वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा. Put your hand in mud, it will turn into something. आप मिट्टी में हाथ डालें और कुछ और बन जाएगा. Mark my words, I prophesied it will happen. भविष्यवाणी करते हैं ये होगा. Receive in Jesus' name. करें यीशु के नाम. You'll put your hand in some hut, that price of that hut will. झोपड़े में आप अपना हाथ लगाते हैं और वो झोपड़े की जो कीमत जो है बढ़ जाएगी. God didn't just bring you like that. परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं लाया. Said everyone. सभी लोग कहें. And Michael became mighty. Somebody said Michael became mighty. Take your name. Take your name. लीजिए. Take your name. Because he prepared his ways. अपने मार्गों को सर तैयार किया. Before the Lord. प्रभु के सामने. My friends. दोस्तों. I don't want to tickle your ears. आपके कानों में खुजलाना नहीं चाहते. And if you're not fasting, you're not praying, you're playing. और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो उपवास नहीं कर रहे तो आप बस खिलवाड़ कर रहे हैं. Jotham, take your name, say prepared his ways. अपना नाम लीजिए और कहें कि उसने अपने मार्ग को तैयार किया. 1 Corinthians 16:9. पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय 9वां वचन. This is so important and very prophetic that you hear this. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भविष्यवक्ता के तौर पे कि आप सुने. Why should you prepare yourself? क्यों आपको अपने आपको तैयार करना. Why is it so important, Pastor Mike? जी क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है. If this should open your eyes, अगर ये आपकी आंखें खोल दे. If this does not open your eyes, अगर ये चीज आपकी आंखें नहीं खोलती. God help you. परमेश्वर मदद करें.
Paul writes, Apostle Paul writes. तो पौलुस लिखते हैं। For a great, everyone say great. An effective door. क्योंकि बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा। Not just a door. सिर्फ एक दरवाजा नहीं। It had two important qualities. और इसमें दो खास गुण हैं। It was a great door. पहले तो ये बड़ा दरवाजा है। It was an effective door. और दूसरा ये एकदम प्रभावशाली दरवाजा है। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? May the Lord open a great and effective door for your finances, for your family, for your relationship. In Jesus' name. परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा आपके लिए आपके पैसों के लिए आपके परिवार के लिए खोले यीशु के नाम में. This should be your confession. ये आपका अंगीकार होना चाहिए. Lift your hands and say it. For the next days, you should say, a great and effective door has opened up for me. आपको ऐसे घोषणा करनी है. भविष्यवाणी करना है. प्रोफेसर भविष्यवाणी करें कि बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा मेरे लिए खुल गया है. Can we take it to a new level? क्या नए स्तर में ले जा सकते हैं? Great and effective doors have opened for me. और ऐसा कहें कि एक बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा मेरे लिए खुल गया है. You will see it in Jesus' name. आप देखेंगे यीशु के नाम में. Great and effective doors have opened for me. थोड़ा सा अच्छा पिक बना के डाल दो. Do it. Now there is an issue here. यहाँ पर एक मामला है. Whenever God opens doors for you, और जब कभी परमेश्वर आपका दरवाजा खोलता है, let's say, मान लीजिए, your son, आपका बेटा, you want him to get married, आप चाहते हैं कि उसकी शादी हो. Every mother wants to happen. हर माँ चाहती है. You want your son to come to a good level. आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे स्तर पे जाए. Your business to come to a new level. और व्यवसाय जो नए स्तर पे आए. And God does it. और परमेश्वर करता है. Now here's the thing. अब सुनिए. Now Paul writes. और फिर पौलुस लिखते हैं. And there are many adversaries. और आगे लिखे. और बहुत से विरोधी भी हैं. And there are many adversaries. और विरोधी बहुत से हैं. Say it after me. There are many adversaries. सभी लोग कहें बहुत सारे विरोधी हैं. Whenever God opens doors, जब कभी परमेश्वर दरवाजा खोलता है, the devil tries to close those doors. Look here. और देखें शैतान कोशिश करता है दरवाजा बंद करने की. The moment you get engaged, सगाई जब हो जाती मंगनी होती है, there'll be confusion in the family. तो गड़बड़ी आने लगेगी परिवार में. Hello, hello, hello. Yes. Moment shadi, you know, there's something good thing about marriage happens. और जब कभी ऐसा शादी के बाद से संबंध कोई अच्छी चीज होने लगती है, something rough weather starts. कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगेगी. That is the adversary. और यह है विरोधी का काम. Hello. Yes. This many Christians don't understand. और बहुत सारे मसीह समझते नहीं से. You get a business. आपको व्यवसाय मिलता है. The tender passes. और tender भी pass हो जाता है. The down payment is come. Down payment भी आ गया है. Now suddenly problems start. और अचानक भी समस्या खड़ी होती है. These are adversaries. और ये सब विरोधी के काम है. Hello, how many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? You have to understand this. आपको समझने की जरूरत है. Many people are so dumb. बहुत सारे लोग एकदम बुद्धू जैसे हैं. A great and effective door has opened for me. एक बड़ा प्रभावशाली दरवाजा मेरे खुला है. But लेकिन there are many adversaries. बहुत सारे विरोधी हैं. How do you tackle it? कैसे आप उनसे निपटते हैं? You must tackle it through the weapon of spiritual prayer and fasting. आत्मिक उपवास और देखिए प्रार्थना के हथियार से आपको उनसे निपटना है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Every adversary against my open doors, I bring you down. मेरे खुले दरवाजे के खिलाफ हर एक विरोधी मैं तुम्हें नीचे डालता हूँ. Every adversary of my business, I pull you down. मेरे व्यवसाय के खिलाफ हर एक विरोधी मैं तुम्हें नीचे डालता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And I tell you, कहते हैं आपसे, this is what will happen. और यही होगा. You will not only the door will open. सिर्फ आपके दरवाजा नहीं खुलेगा. You will walk through the door. आप दरवाजे में चल के जाएंगे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. This is what it is. यही तो है. Pastor. हसबन जी. बहुत problem है. तू बैठ के chicken wings खा रहा है. chicken wing, हाँ? हाँ? बैठे रहता है. TV, Netflix और क्या क्या है? प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है. यू हैव टू बैटल. आपको लड़ने की जरूरत है. यू हैव टू बैटल. आपको लड़ने की जरूरत है. मदर्स डोंट जस्ट सिट. और माए से बैठे मत रहें. फादर्स जो पिता हैं. डोंट जस्ट सिट. व्हाट अबाउट योर फैमिली. आपके परिवार के बारे में क्या. से ओपन डोर्स. सभी लोग कहें खुला दरवाजा. से ओपन डोर्स. यू आर हैविंग अ फाइल ऑफ पेपर्स 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़. What for? आपके पास कागजातों के बंडल जैसा है. Lay hands on that. उन पर हाथ रखें. In the name of Jesus. कह रहा है यीशु के नाम में. You devil holding my property papers. तू शैतान जिसे मेरे कागजातों को पकड़े रखा है. Fire on you in Jesus. तू पर आग आ जाए यीशु के नाम में.
You see how things work. आप देखिए कैसी चीजें काम करती हैं. You see how things work. आप देखिए कैसी चीजें काम करती हैं. You only want pastor to pray. आप सिर्फ चाहते हैं कि पासबान प्रार्थना करें. Everyone lift your hands and say, great and effective doors have opened for me. सभी लोग अपने हाथ उठाकर कहें, बड़ा और प्रभावशाली दरवाजा मेरे लिए खुला है. You know, offense is an enemy. और देखिए, ये ठेस भी एक शत्रु है. ठेस खाना ये भी एक शत्रु. Many of you have the problem of offense. और बहुत सारे लोगों को ठेस खाने की ये समस्या है. You know, small things you get offended. और देखिए, छोटी-छोटी बातों में आपको ठेस लग जाती है. It is a demon in your family. और ये आपके परिवार में की दुष्टात्मा है. Hello. Yes, pastor. Please listen. सुनिए ध्यान से. It was there in your family members earlier. ये आपके परिवार के सदस्यों में पहले हुआ करता था. Hello. Offense is a family demon. और ये ठेस जो है ये एक पारिवारिक दुष्टात्मा. You will check your father, your mother operated the same way you are operating. आप अगर पता लगाएं तो पता चलेगा कि आपके माता पिता पूर्वज भी उसी प्रकार के दुष्टात्मा पीड़ित थे. सब वो बनाना. Are you listening? आप सुन रहे हैं? नहीं, उसने स्माइल नहीं दिया. उसने बर्थडे को विश नहीं किया. उसने मुझे मुस्कुराहट नहीं दी. बर्थडे को विश नहीं. एनिवर्सरी को विश नहीं किया. शादी का जब सालगिरह था उसमें भी विश नहीं किया. इट्स अ डीमन. ये दुष्टात्मा है. ऑफेंस, चोट पहुंचना, इट्स अ डीमन. और ये ठेस खाना ये दुष्टात्मा है. लाइन में कितना खड़ा किया. वीजा के लाइन में 4 घंटा खड़ा रहता है तो बोलता है क्या कुछ? वीजा मिलने के लिए उधर खड़ा रहता तू, लेकिन यहां से रिलीज होता है भाई. Are you listening, sir? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Don't you forget that? भूलना नहीं इसे. See, there are protocols in every place. देखिए हर जगह पर ऐसे नियम कायदे कानून होते हैं. I told my son, don't lose your cool. Don't fight a battle where there's no money. और जहाँ पर पैसा नहीं है कोई फायदा नहीं है वहाँ पर अपनी लड़ाई मत लड़ो. Some people are weird. I stop talking to such. कुछ लोग एकदम अजीब जैसा बर्ताव करते हैं. When I meet them, hello, hi, God bless you, bye. I don't waste my time and my energy talking to people who don't listen. जो लोग सुनते नहीं हैं उनके साथ बात करने में अपना समय और ऊर्जा खराब नहीं करते. Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं? I met one politician the other day. एक दिन एक politician से मिले. He said, Pastor Sam. Okay, ने कहा पासवान जी. प्रार्थना करो मेरे लिए. मेरे लिए प्रार्थना करो. I said, of course. ने कहा ठीक है जरूर. I said, ऐसे ऐसे होने वाला है. तुम्हाला कोणी सांगितलं? Jesus. He thought some khabri is in his office. See, they are recognizing the anointing. देखिए वे अभिषेक को पहचानते हैं. But some fellows, you know, you have my number, you pick me up and say, hello, and I tell you something, you think I'm a joker. I'm not. There are many adversaries. ऐसे बहुत से विरोधी हैं. If you have a problem, अगर आपने कोई समस्या, through prayer and fasting, प्रार्थना और उपवास के जरिए, deal with that thing. उन चीजों से निपटिए. Come on, somebody say, I'm receiving. और कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूँ. Say I'm receiving. बोले मैं ग्रहण कर रहा हूँ. Hey, say I'm receiving. बोले मैं ग्रहण कर रहा हूँ. Hallelujah. Identify those things. उन चीजों को पहचानिए. Identify. उन चीजों को पहचानिए. I was talking to my staff. अपने स्टाफ से बोल रहे थे. The fellow is waiting over there at the studio. और वो व्यक्ति स्टूडियो में वहाँ इंतजार कर रहा है. And our fellow says. और हमारा व्यक्ति कहता है. मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. 2 मिनट में आ रहा हूँ. Not 2 मिनट. 1 hour is gone. एक घंटा निकल गया. Again he calls back. फिर से कॉल करते हैं. अरे बोला ना 2 मिनट में आ रहा है. I lost it. That fellow is waiting for 1 hour, and you're saying 2 minutes, 2 minutes. Your tongue has a demon. Because जो तू बोलता है वही सुन वो आदमी करना चाहिए. How many of you understand? I said, how many understand? किधर समझ गए? If you tell your client, I'm giving it to you on the 2nd of January, you should have the delivery on 2nd of January. How many of you agree with me right now? किधर सहमत है इसमें? I said, how many of you agree with me? किधर सहमत है? That's how you should operate. इसी तरीके से आपको काम करना चाहिए. Don't be a manipulative. ऐसा ठगबाजी करने वाले मत बने. 5 minutes, sir. 5 minutes, sir. It's in the mail, sir. It's in the this, sir. No, sir. Your word must carry power. आपके शब्दों में सामर्थ्य होना चाहिए. Amen, amen. Deal with that. उनसे निपटिए. And tell your clients. अपने क्लाइंट से कहना. अगर मैं 2 बजे बोलूँ तो मेरी डिलीवरी 1 बजे होती है. इसलिए मैं 10% ज़्यादा लेता हूँ. Charge more for your products. This is a business tip for you. और ये आपके लिए बिजनेस करने का अच्छा समय है. Undercut, charge more. Well, why you charge more? Andrew, this is a business tip for you. And all the businessmen. The business, why do you charge more? Tell them, we deliver on time, we deliver quality, we do what we say. You can go elsewhere. Try us once. You have to have that. आपके पास ये होना चाहिए. Otherwise, नहीं तो. You have to deal with that. Father, आपको निपटने की जरूरत है. There's manipulation in me. और मुझ में ये ठगबाजी है. Why didn't you come to church? क्यों तुम गली से नहीं आए? I was sick. Actually, you were not sick. You were roaming in the mall.
आप बीमार नहीं थे, आप मॉल में वहां घूम रहे थे. You got up late. आप देर से उठे. Your tongue is manipulated. आपकी ज़बान में ठगबाज़ी की शक्ति. Deal with it. निपटिए उनसे. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस बार? I said, how many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? Say, Father. कह पिता. My tongue carries life. मेरी ज़बान. What does your tongue carry? क्या लेयर चलती है? Your tongue does not carry death. Your tongue carries life. From today onwards. आज से. So when you bless your children, जब आप अपने बच्चों पर आशीर्वाद, life will flow in them. और जीवन बहेगा उनमें. You take your purse, आप अपना बटुआ लें, and you say life. और आपको कहना है, your finance will receive life. आपका पैसा जीवन पाएगा. Somebody shout hallelujah. चिल्ला hallelujah. Because now your tongue has life. क्योंकि अब आपके ज़बान में जीवन है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. This is how it works. इसी तरह से काम करता है. So first thing I told you, how preparation. तो पहली चीज़ आपको बताया तैयारी. Spiritual preparation. आत्मिक तैयारी. How do you deal with your life? कैसे अपनी ज़िंदगी से निपटना है? How do you do? Many of you will never come on time. बहुत आप इसे बहुत सारे समय पे नहीं आते. I'll be on 10. I'll be at 10. And 10:45 हो गया. बोले किधर है? अरे करुणा, ये क्या बोले? रंग शर्द के just left में है. Actually तू left में नहीं है, तू Santa Cruz में है. पांच मिनट. Always late. हमेशा देरी से. Don't look at the side. किसी और मत देखिए. बजा. Always late. And then you fight with the volunteer. Call. यीशु के नाम से call. मैं तो volunteer रहता था, बोला जा घर पे. How many of you are listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Deal with this. इन चीजों से निपटिए. Pastor, how why are you talking to us? पास्टर क्यों इस तरह से कह रहे हैं? Because I dealt with this. क्योंकि इन चीजों से निपटे हैं. These things were in my life. ये चीजें किस ज़िंदगी में थीं? Like A. Allen, the great man of God. A. Allen जी परमेश्वर के महान जन के रूप. He wrote all his things. उन्होंने अपनी सारी चीजों को लिखे. He wrote all his weaknesses. अपनी सारी कमजोरी को उन्होंने लिखा. And he went on a 40-day fast. और 40 दिन के उपवास में गए. Listen to me. And he said, Lord, और कहा प्रभु, I have this weakness. और मुझ में कमजोरियां हैं. I have this weakness. मुझ में कमजोरियां हैं. And I wrote it. He wrote it down. और उन्होंने लिख लिए. And when he finished it, और जब पूरा किया उन्होंने, the whirlwind of God came in his room. परमेश्वर बवंडर उनके कमरे में आया. When he would lay hands, और फिर अपना हाथ रखते, people would walk. लोग चलने लगते थे. People would see. लोग देखने लगते थे. This is called spiritual preparation. और ये कहलाता आत्मिक तैयारी. I want to encourage every one of you. हर एक को इस समय हौसला बढ़ाना चाहते हैं. The world may go down. भले दुनिया नीचे जाए. But you will not go down. लेकिन आप नीचे You will rise आप उठेंगे, like an eagle, मुकाब के जैसा. But do what I've told you. लेकिन जो आपसे कहा गया वो करिएगा. In 1 month, एक महीने में, you will have testimonies. आपका गवाहियां होगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody give him a praise offering like you never have given him. स्तुति की भेंट चढ़ाएं सामने कभी पहले कभी.